May Mary, we wish you a very happy Christmas. कंधे से कंधे लगाकर एक दूसरे को गले मिलकर मुस्कुराते हुए हमारी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज क्रिस्तानन हॉस्पिटल के लिए बहुत आनंद का दिन है, क्योंकि आज हम सब एक साथ दो खुशियां मनाने जा रहे हैं। इसी साल से हमारे फादर कुरियन ने क्रिसमस को एक नए रूप से सेलिब्रेट करने के लिए हॉस्पिटल डे की शुरुआत की है, इसलिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को पापियों से बचाने के लिए इंसानी रूप में जन्म लिया, और आपसी प्रेम यही है क्रिसमस का संदेश। तो इसी संदेश के साथ आपसी खुशियों को बढ़ाने के लिए आज का यह कार्यक्रम अरेंज किया है। हम सब यह एकत्रित हुए हैं, तो आइए हम सब आज का कार्यक्रम ईश्वर को समर्पित करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर की स्तुति और आराधना से करते हुए मैं प्रेयर डांस से करना चाहूंगी, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल का गायनिकवाड का स्टाफ। तो जोरदार तालियों से सभी लोग उनका स्वागत कीजिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज गायनिकवाड स्टाफ। सभी जन एकत्रित हुए हैं, और सभी लोगों का वेलकम करने के लिए मैं स्टेज पर ज्योत्सना दीदी को बुलाना चाहूंगी। जेसु, गुड इवनिंग। मैं ज्योत्सना आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ क्रिसमस और हॉस्पिटल डे मनाते हुए उपस्थित हुए हैं, इसलिए
यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ और मैं यहाँ विजया और सुषमा को आमंत्रित करती हूँ कि वे सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें। हमारे आदरणीय फादर कुरियन, हमारे आदरणीय फादर इमानुएल, आदरणीय मैट्रन सिस्टर जरीना तथा आमंत्रित सभी डॉक्टर्स, डॉक्टर राव सर, डॉक्टर नारंगे सर, डॉक्टर राव मैम, नारंगी मैम, डॉक्टर चौहान सर, डॉक्टर बनकर सर, डॉक्टर जुमरा के सर, डॉक्टर हरने सर, डॉक्टर विवेक सर, डॉक्टर सिद्धांत सर, डॉक्टर मनीष सर, डॉक्टर तनुजा मैम, डॉक्टर स्नेहल मैम, उसी प्रकार हमारे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ठिकरे सर, डॉक्टर प्रदीना मैम, डॉक्टर वर्षा मैम, डॉक्टर कृष्णा सर, डॉक्टर भावना मैम, डॉक्टर सुरपान सर, डॉक्टर स्नेहल मैम, डॉक्टर विश्वास सर और सभी अस्पताल एवं स्कूल के आदरणीय सिस्टर्सगण तथा सभी नर्सेस, सभी टेक्नीशियंस, सभी ऑपरेटर्स, सभी ऑफिस कर्मचारी और अन्य कर्मचारी तथा सभी क्रिस्तानंद परिवारवासी एवं सभी मेहमानों का आज के इस सुंदर बेला पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपकी उपस्थिति हमारा उत्सव है और आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। मैं आप सभी को फिर से क्रिसमस की शुभकामनाएं देती हूँ और अगले कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने के लिए मिस मेरी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जोशना दीदी, आपने मधुर शब्दों में हम सभी का स्वागत किया है। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ उन्हें जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, रेंज में भी है और आउट ऑफ रेंज में भी, जो हम सभी के डाउट क्लियर करते हैं, किसी भी परिस्थिति में सत्य का ही साथ देते हैं। तो जोरदार तालियों से हम हमारे लैब के स्टाफ को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। Oh,
बाड़ी बाड़ी ना टिकटे वसमा बंदे मा टिकटे
हमारे मेडिकल ऑफिसर हमारे लिए हमेशा दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं का ख्याल रखते हैं, वो सब इस कृष्णानंद की जान है। तो अब वे हमारे सामने सुमधुर सुर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो जोरदार तालियों से हम यहाँ उनका स्वागत करते हैं। जी हाँ आया है, जी हाँ लाया
क्योंकि बहुत अच्छा गाना गाया है उन्होंने। अभी आप सबने डांस भी देख लिया है और सॉन्ग्स भी सुनी लिया है, तो अब बारी एक शानदार स्किट की, जो आप सभी, तो क्या आप सभी लोग स्किट देखना चाहेंगे? मुझे आवाज नहीं आया, तो ठीक है, चलिए फिर इसी उत्साह के साथ आईपीडी स्टाफ को हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। प्लीज मौसी लोग स्टेज पे आइए।
आपके सामने आ रहे हैं, सब संभल जाइए, क्योंकि जो अब आ रहे हैं उनकी तो बात ही कुछ और है, उनका तो पावर ही कुछ और है, जो यमदूत को भी हराने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, हमारे आईसीयू का स्टाफ आपके सामने एक पावरफुल डांस प्रस्तुत करने जा रही है, तो दिल थाम के बैठिए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जाना अरे उड़ले उड़ले ओ
मुश्किल काम संभालते हैं, यानी पेडियाट्रिक वार्ड। हम सभी जानते हैं कि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है और इसी मुश्किल काम को हमारे पेडियाट्रिक वार्ड के दीदी बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से और मस्ती के साथ संभालते हैं। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए पेडियाट्रिक वार्ड के स्टाफ को, जो हमारे अभी सामने डांस प्रस्तुत कर रहे हैं, प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो जरा जोर से तालियां बजाइए। सो वी आर वेटिंग फॉर वन ऑफ द ग्रेट सिंगर ऑफ अवर हॉस्पिटल एंड नाउ अवर वेट इज ओवर। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नारंगी सर। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। को इतना बता दे कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया, काजल की सियाही से लिखी है जाने तूने कितनों की लव स्टोरिया। जाऊं जो मैं हाथ लगा
दीवाने का क्या हाल है। ओ दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरिया फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। ओ क्या हाल है। टू हार्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, द वॉर्म्थ एंड जॉय ऑफ क्रिसमस ब्रिंग अस क्लोज टुगेदर। आप सभी ने सुनाई होगा ओल्ड इज गोल्ड, तो आज अपनी आंखों से देख भी लीजिए ओल्ड इज गोल्ड क्यों है, कैसे है। अब मेडिकल वार्ड का स्टाफ हमारे सामने कुछ ऐसा ही डांस पेश करने जा रहे हैं, सो प्लीज कम ऑन द स्टेज। Thank you.
के जख्मों पर मरण पट्टी करने में माहिर है और यहाँ इसलिए वे एक नृत्य द्वारा ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहती है और ईश्वर की स्तुति करना चाहती है। तो हम उनके लिए तालियां बजाकर ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। गाना गाने वाले हैं, तभी मैं उनको उनसे ये अनुरोध करती हूं कि वो प्लीज स्टेज पे आए।
को ये बताने के लिए आ रहे हैं कि हम कैसे दिल को भी जोड़ सकते हैं। तो उसी के साथ हम और हमारा एक्स्ट्रा स्टाफ हम सबके दिल को जोड़ने वाले एक प्रस्तुति करने वाले हैं। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट। जोरदार तालियों से हम यहां उनका स्वागत करते हैं। जो खुशी से
पैदा हुआ
लगा। अच्छा लगा, बाजू से आवाज आ रहा है पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा? थैंक यू। तो ठीक है, अच्छा लगा, पर आज अब समय आ गया है कि कार्यक्रम को फुल स्टॉप लगाने का। फुल स्टॉप का मतलब हमेशा समाप्त करना ये नहीं होता इसका अर्थ, पर इसका अर्थ ऐसा है कि शुरुआत करना भी होता है। तो आइए हम सब इस साल को खुशियों से अलविदा करते हैं और आने वाले साल को उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जो है वोट ऑफ थैंक्स, उसके लिए मैं रीता दीदी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। भले ही यह प्रस्तुति इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति हो, मगर यह संपूर्ण कार्यक्रम आने वाले कई वर्षों तक हमारे यादों में रहेगा। हम तो चाहते हैं कि इस रात की कभी सुबह ना हो, लेकिन प्रकृति का तो यही नियम है, जहां प्रारंभ है वह अंत भी है। मैं सर्वप्रथम हम सभी को यहां एकत्रित करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूं और यहां उपस्थित होने के लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूं। हमारे मैत्रेय सिस्टर सिस्टर जरीना को मैं धन्यवाद कहती हूँ, वार्ड के सभी इंचार्ज को धन्यवाद कहती हूँ, इस कार्यक्रम के आयोजक को धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम की आवाज बने हमारे साउंड सिस्टम और म्यूजिशियन को भी धन्यवाद कहती हूँ, सभी डिपार्टमेंट के स्टाफ को जिन्होंने यहाँ कई दिनों से मेहनत कर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया, इसीलिए मैं उन्हें तह दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय डॉक्टर्स को भी धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उनके बगैर हमारा कोई भी कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। मैं विशेष रूप से हमारे आदरणीय फादर जी फादर कुरियन इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें आज इस कार्यक्रम के लिए पहली बार हॉस्पिटल में हॉस्पिटल डे सेलिब्रेशन के लिए हमें एक मंच उपलब्ध कराया है। फादर जी, आपने इस परिवार के मुखिया होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और हमें अत्यंत खुशी है कि आप हमारे व्यवस्थापक हैं। क्रिस्तानंद केवल एक संस्था नहीं है, यह एक परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं और इस बात का हमें गर्व है। फादर जी, आपने साल के सबसे बड़े त्योहार में आपने इस संपूर्ण क्रिस्तानंद परिवार को आमंत्रित किया, एक सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया, इसीलिए मैं इस संपूर्ण क्रिस्तानंद परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद कहती हूँ और धन्यवाद के रूप में एक छोटी सी भेंट वस्तु देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं श्रीनिवास, मेरी दीदी कांता और जयंती दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वे वह भेंट वस्तु फादर जी को प्रदान करें। करेंगे।